अभी वरवधु फेरे के लिए खड़े हो जाइए। फेरे शुरू करने से पहले वधु अपने बाएं पैर से अक्षत पर रखी सुपारी को धीरे से गिराएगी। अब फेरे शुरू कीजिए। शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ईशानी, ये जिंदा है? तू होती कौन है मेरे बेटे की शादी रोकने वाली? हाँ, रणवीर की पत्नी, पत्नी, पत्नी। और पहली पत्नी के होते हुए किसी और से शादी नहीं कर सकते। ये मेरे बारे में सब कुछ जानती है। इसने अगर सबको मेरा सच बता दिया तो मेरा तो खेल खत्म। मैं शादी कर सकता नहीं, मैं शादी कर रहा हूँ। नहीं रणवीर, तुम्हारी पत्नी मैं हूँ, जिंदा हूं मैं अभी। तुम मेरे होते हुए किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? ये क्या पत्नी पत्नी लगा के रखा है? हाँ, रणवीर की होने वाली पत्नी रितिका है, तू नहीं। छोड़ के चली गई थी ना? हाँ, तो अब तेरा उस पर कोई हक नहीं बनता। रणवीर जिससे चाहे शादी कर सकता है। काकी, मैं जानती हूँ कि आप कभी भी नहीं चाहती कि मैं रणवीर की पत्नी बनूं, लेकिन फिर भी मेरी उससे शादी हुई, आपकी आंखों के सामने हुई। तो आज आप अपनी आंखों के सामने इसकी दूसरी शादी कैसे करा सकती है? मानती हूँ कि रणवीर दूर चली गई थी। दूर जाने का मतलब अलग होना नहीं होता। और जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं वो कभी नहीं टूटते। कहा कि मैंने अग्नि को साक्षी मान के साथ फेरे लिए रणवीर के साथ, साथ रहने का वादा किया इसके साथ, तो आप कैसे छोड़ दो इसे? शादी करके दो लोग सिर्फ पति पत्नी नहीं बनते, जीवन साथी बनते हैं। उनका सुख दुख सब कुछ एक दूसरे से होता है। काकी, अलग हो के ना रणवीर मेरे बिना खुश रह पाएगा और ना मैं रणवीर के बिना। शादी की कसमों के साथ साथ मैंने खुद से भी वादा किया था कि मैं तुम पे कोई मुसीबत नहीं आने दूंगी। और अगर तुम पे कोई मुसीबत आई भी तो तुमसे पहले मैं उसका सामना करूंगी।
नजर नहीं पड़ने दूंगी। मैं परछाई बन के तुम्हारे साथ जिंदगी भर साथ चलूंगी रणवीर, तुम्हें हर अंधेरे से दूर रखूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते, तुम्हें उसी प्यार का वास्ता रणवीर, प्लीज ये शादी मत करो। बकवास, यहां मेरे रणवीर की शादी हो रही है, कोई नौटंकी नहीं। जो तू जो जी में आए बकती रहे और हम लोग चुपचाप सुनते रहे। और एक बात कान खोलकर सुन ले, तेरा रणवीर के साथ कभी कोई रिश्ता था ही नहीं, कुछ था भी तो वो टूट चुका है। और ये वो सच है जो रणवीर मान चुका है, तुझे भूल के रणवीर आगे निकल चुका है, इसलिए तू लाख कोशिश कर ले, चाहे जितनी आवाज लगा ले, लेकिन वो तुझे पलट के नहीं देखने वाला। मेरी बात चुपचाप मान ले और निकल यहां से। चल निकल, चल चल, नहीं तो धड़के मार। आज मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी, मैं यहां पे अपने पति को लेने आई हूं। उसे लेके जाऊंगी। मैं जानती हूं कि आप रणवीर की मां हैं, लेकिन जब बात पतिव्रता धर्म की आती है तो एक मां भी कुछ नहीं कर सकती। What? चंदीर, रितिक और रणवीर की शादी रोक दी? What are you saying, Krisha? Are you sure? I mean, ये सब तुम वहीं पर हो? Okay, we'll talk later. What? ईशानी ने आर्मी की शादी रोक दी? वैसे ये लड़की ना कभी भी कुछ भी कर सकती है। मैंने आपको बोला था ना मॉम, शेखर ने मुझे बोला था कि ईशानी उससे शादी नहीं करने वाली, पर शिखर ने उस टाइम मुझे कोई रीजन नहीं बताया था। अब पता चला मुझे ईशानी का रीजन। अपशगुनी है वो। अरे जहां खुशी देखी नहीं, वापस वापस मातम लेकर पहुंच जाती है। पता नहीं हमसे तो कौन से जन्म का बदला ले रही है वो। अब कल तेरी शादी है और आज आज ये सब, वो भी शिखर की बहन के साथ जिसे ईशानी ने ही धोखा दिया। शिखर का, अरे ऐसी बहन के भाई को कोई कोई अपनी लड़की देगा भी या नहीं देगा? Come on, mom. Please don't be melodramatic, क्या? शिखर ने बोला था मुझसे कि वो मेरी और कृषा की शादी के बीच में किसी को नहीं आने देगा। So let's just hope कि ऐसा ही हो। हाँ, really? फिर ठीक है। वैसे हम लोगों को भी ना वहां होना चाहिए था। अरे कितना कुछ ड्रामा चल रहा होगा वहां पर। ऐसे एक बात है यार, ये ईशानी जहाँ होती है ना, वहाँ कुछ ना कुछ ड्रामा जरूर होता है। लेकिन लेकिन अब इस बेचारी रितिका का क्या होगा? जल्दी गाड़ी बैक डोर पे लाओ। हाय हाय रितिका, अरे तू कहाँ जा रही है? तू कहीं नहीं जाएगी। हाँ
अरे मैं सोच सकती हूँ, केशानी की बातें सुन के तुझे बुरा लग रहा होगा, नहीं? अरे पर छोड़ ले, जब हमारा रणबीर तुझसे शादी करने को तैयार है तो ये सब बातों का बुरा नहीं मानने का। हाँ, रणबीर तेरा है और तेरा ही रहेगा। हाँ, हाय हाय हाय, हे रितिका, अब तू ज्यादा मत सोच ले, हम लोग है ना, अरे हम लोग तेरे साथ ना कुछ गलत नहीं होने देंगे। हाँ सच्चे, अब क्या करूं, मेरी पोल खुलने वाली है और ये इडियट मुझे जाने ही नहीं दे रही। अरे नहीं रे रितिका, तू रुक, अरे रुक ले, धर्म कर्म पति पत्नी की बातें पहले भी बहुत सुनी है, लेकिन आज मैं कुछ नहीं सुनूंगी। आज मेरे बेटे की शादी का शुभ मुहूर्त है और शुभ कामों में मनहूस चीजों को घर के बाहर रखते हैं। पिछली बार तो खुद छोड़कर चली गई थी ना रणवीर को, आज मैं तुझे धक्के मारकर बाहर निकालती हूँ। चल चल निकल, काकी चल चल निकल, मैं चली जाऊंगी लेकिन मैं तभी जाऊंगी जब रणवीर मुझसे जाने को बोलेगा। अगर वो मुझसे कहेगा कि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है तो मैं अभी चली जाऊंगी। अगर वो मुझसे कहेगा कि वो मुझे जिंदगी में कभी नहीं देखना चाहता, मैं चली जाऊंगी। अगर वो मुझसे ये कहेगा कि मेरी ना ही उसके दिल में जगह है और ना ही उसके घर में, मैं उसके घर से तो क्या, उसकी जिंदगी से चली जाऊंगी। वो बोलेगा, वो तेरे मुंह पे बोलेगा। रणवीर, तू चुप क्यों है निकला? बोल दे इसे, बोल दे कि ये तेरी कुछ नहीं लगती, इसकी तेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। बोल दे कि यहां से, इस मंडप से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। बोल रणवीर, बता दे इसे, तू इसे अपने दिल से निकाल चुका है और अपनी जिंदगी से भी निकालना चाहता है। बोल दे। ये ईशानी कभी भी हार्वी को मेरा सच बता सकती है, मुझे यहां से जाना होगा। ये सब क्या हो रहा है, ये ईशानी ऐसे क्यों कर रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा कंचन। मैं जानती थी तुम नहीं कर पाओगे। जो आदमी मुझे अपने घर से बाहर नहीं निकाल सका, अपने दिल से कैसे निकालेगा?